मिलते हैं फिर से आपके एक आज नए क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि एंडीडियस बी फार्मा फाइनल ईयर 7 सेमेस्टर में। यूनिट नंबर 1 चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं हम बात करेंगे कि जो ओरल कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, आपको पता है कि व्हाट इज द सीआरडीएस कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम ड्रग के लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कोई नॉर्मल दवा खाते हैं ट्रेडिशनल, उसका असर 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके उस दवा के असर को हम 24 घंटे से 48 घंटे से 7 दिन 1 महीने तक का असर कर सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करके, जिसका नाम है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और उस कंट्रोल्ड को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, हम ओरल दे सकते हैं टैबलेट कैप्सूल्स के फॉर्म में, इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, इम्प्लांट यूज कर सकते हैं, पैचेज यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग टेक्निक है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ओरल का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात हो रही है ओरल की, यानी ऐसा सीआरडीडीएस ड्रग जिसको हम टैबलेट या कैप्सूल की तरह ओरली इंटेक करेंगे, माउथ के द्वारा इंटेक करेंगे और जो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म सेक्रीशन सारे फिनोमेना को रिपीट करेगा। तो उसके बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुल 7 अलग अलग टेक्निक से। ये जो 7 अलग अलग तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, वो टेक्निक के बेसिस पे हैं कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इसका इस बल्स को बना रहे हैं, यानी सीआरडीडीएस मेडिसिन को हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, उसके बेसिस पे इसको 7 भागों में बांटा गया है। पहला है डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। डिसोल्यूशन आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कि जो कोई ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले डिसॉल्व होती है, तो उसके डिसोल्यूशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे, कंट्रोल्ड कर दे, तो हम उसको सीआरडीडीएस में, एक नॉर्मल मेडिसिन को भी सीआरडीडीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहली क्लास में। दूसरा है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। अब डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन आप समझते क्या होता है, डिफ्यूजन हमेशा मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है उसको भी हम अलग अलग टेक्निक से द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। और ये दो प्रकार के होते हैं, रिजर्वायर सिस्टम और मैट्रिक्स सिस्टम। जब इसको पढ़ेंगे तो इस पर बात करेंगे। तीसरा है बायो इरोडिबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन सिस्टम, यानी डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर हम कोई बायो इरोडिबल पॉलीमर इस्तेमाल कर दें, यानी कोई ड्रग के ऊपर ऐसी पॉलीमर कोटिंग कर दें जो बॉडी के अंदर जाके ऑटोमेटिक मेल्ट होना शुरू हो जाए, डिजॉल्व होना शुरू हो जाए और ड्रग धीरे धीरे रिलीज निकलना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिक ड्रग का एक्शन बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड बायो इरोडिबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन सिस्टम, ठीक है। चौथा है ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम। देखिए ऑस्मोटिक, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऑस्मोसिस को डिफरेंस करेंगे और इस तरह से ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को आप इंक्रीज करेंगे, उसको कंट्रोल्ड करेंगे, तो उस मेथड को बोलते हैं ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। पांचवा मेथड है आयन एक्सचेंज सिस्टम। ये भी आपने रेजिन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि हम किसी भी सॉल्ट में आयन को एक्सचेंज करके उसके मैकेनिज्म को डिफरेंट करके हम ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करके उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगला है पीएच इंडिपेंडेंट फॉर्मुलेशन। कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है जो पीएच पे डिपेंड करते हैं और कुछ पीएच पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, तो हमको ऐसे बनाने हैं जो पीएच पे डिपेंड ना करे, जो किस सिस्टम पे जाके कहां हमको डिसॉल्व करना है, क्या उसको टारगेट साइट देना है, उसके बेसिस पे काम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट इज द अल्टर्ड डेंसिटी अप्रोच, यानी ड्रग की डेंसिटी को चेंज करके, ठीक है, ड्रग की डेंसिटी को चेंज करके भी हम उसको कंट्रोल्ड रिलीज बना सकते हैं। दो तरीके होता है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। तो ये कुल 7 अलग अलग मेथड है दोस्तों, जिसको हम बारी बारी से अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं पहला सिस्टम, तो डालिए पहली हेडिंग है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। देखिए डिसोल्यूशन क्या होता है, इसको आप पहले समझिए। जब कोई ड्रग हमारी बॉडी में जाता है, जब हम कोई भी दवा खाते हैं या कोई टैबलेट है, ये हमने इसको अपने माउथ के द्वारा इंटेक किया दोस्तों यहाँ पे, तो जब ये माउथ से हमारा ये ड्रग जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, जब ये माउथ से जा रहा है तो जाने के बाद ये पेट में जो हमारा ये स्टमक है, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले ये बड़ा वाला पार्टिकल कुछ छोटे छोटे पार्टिकल पे टूटता है, दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन, ओके सॉरी
बड़ा पार्टिकल ड्रग पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये इसके चारों तरफ सॉल्वेंट आके इकट्ठा होते हैं। सॉल्वेंट क्या है? जो इस पेट के अंदर हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड है। अब जब इसके तरफ चारों तरफ इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे ये ड्रग घुलना शुरू होगी और घुलते घुलते थोड़ी देर बाद ये ड्रग इसमें पूरी तरह से मिल जाएगी। इस सॉल्वेंट में ये ड्रग का पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए आपको डिसोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। यानी एब्जॉर्प्शन से पहले दो फिनोमेना होती है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। टैबलेट बॉडी के अंदर जाके पहले छोटे पार्टिकल्स पर टूटता है, इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, और वो डिसइंटीग्रेशन अपने सॉल्वेंट के अंदर जाके मिल जाता है और डिसॉल्व हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और इसके बाद जब हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो गया, ब्लड में मिल गया, अब वहां पे जब ब्लड में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम डिसोल्यूशन को कंट्रोल करके एक सीआरडीडीएस दवा को बना सकते हैं। तो इसमें एक चीज समझिए, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, और सबसे बड़ा अप्रोच क्या है, हमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन को किसी भी तरीके से डिक्रीज करना है। व्हाट इज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, कितने टाइम में कितना ज्यादा ड्रग डिसॉल्व हो रहा है, उसी को कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन। जैसे मैंने आपसे कहूं कि एक ग्लास पानी में आप 100 ग्राम चीनी घोलिए और एक ग्लास पानी में आप 100 ग्राम गुड़ घोलिए, तो आप देख रहे हैं कि जो जल्दी घुलेगा, जो चीनी जल्दी घुलेगा तो उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है, गुड़ धीरे धीरे घुलेगा उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत तो उससे कम है। ठीक है, तो किसी भी ड्रग का कौन कितनी तेजी से खुल रहा है वो ये बताता है उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन को हमको कम क्यों करना है भाई, ज्यादा करेंगे ज्यादा अच्छा है भाई। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा, देखो अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा तो ड्रग जल्दी घुलेगी, जब जल्दी घुलेगी तो जल्दी अब्जॉर्ब होगी, जब जल्दी अब्जॉर्ब होगी तो जल्दी मेटाबोलाइज होगी, जल्दी स्क्रीट होगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा छोटा, 4 से 6 घंटे का। लेकिन हमारा पर्पस तो ये है कि हमें टैबलेट की ड्रग के एक्शन को लंबा करना है, 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे। तो उस केस में जब हम डिसोल्यूशन रेट को स्लो करेंगे, यानी ड्रग धीरे धीरे डिसॉल्व होगी और धीरे धीरे हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, स्लोली स्लोली ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, तो उसका मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन भी डाउन होगा, धीरे धीरे रिसेप्टर पहुंचेगा, एक ड्रग छूटेगी दूसरा पार्टिकल आएगा, दूसरा छूटेगा तीसरा पार्टिकल आएगा, और ऐसे करते 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 हमारे थेरेप्यूटिक विंडो में प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन में इस ड्रग का कंसेंट्रेशन लंबे समय तक कॉन्स्टेंट बना रहेगा और हमारा जो ड्रग है वो सस्टेन्ड रिलीज होगा और कंट्रोल्ड रिलीज मैनर में लंबे समय तक एक्शन देगा। तो सबसे पहला अप्रोच क्या करना है कि हमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन को घटाना है। तो द हेडिंग है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इंग्लिश में, अगर आपको नोट्स बनाना है तो इन दिस डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच द ड्रग पार्टिकल इज डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट एंड देन रिलीज इनटू द देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। इफ द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज हाई देन द रेट ऑफ ड्रग एक्शन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग ऑनसेट ऑफ एक्शन इज हाई एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी स्मॉल। बट द मेन फोकस फॉर द मेकिंग सीआरडीडीएस ड्रग, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन शुड बी डिक्रीजेस या शुड बी लो, हमें कम करना है। अब हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको कम करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब क्या होता है भाई, कोई ड्रग है उसको सॉल्ट बना दिया, और सॉल्ट हमने बना दिया तो सॉल्ट ऐसा बनाया है कि वो जल्दी डिसोसिएट ना हो भाई। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा तो जल्दी डिसोसिएट होगा, वीक सॉल्ट होगा धीरे धीरे डिसोसिएट होगा। तो जब सॉल्ट को जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा तो जल्दी डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो सॉल्ट को बना के कि हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि उस ड्रग के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रग पार्टिकल है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक चीनी का पार्टिकल ले लो, उस चीनी को पानी में डाल दो, चीनी जल्दी घुल जाएगा। अब उसी चीनी के ऊपर एक कोई पेंट लगा दो, या छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, आपने बतासे खाए होंगे, जो चीनी के बतासे आते हैं जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं प्रसाद में, उस बतासे को ग्लास पानी में डाल दो, देखो घुल जाएगा थोड़ी देर में। अब उसी बतासे के ऊपर आप नेल पेंट, जो लड़कियां लगाती है ना नेल पेंट अपने नेल्स में, उस नेल पेंट को इसकी तरफ लगा के सुखा दो, अब उसको डालो पानी में, तो क्या होगा, ये जल्दी नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो वाटर को एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहा है। तो उसी तरह से जो हमारा ड्रग है, अगर उसके ऊपर हम कोटिंग कर दे, ड्रग पार्टिकल के ऊपर हम कोटिंग कर दे, तो उससे भी उसके डिसोल्यूशन रेट को हम डाउन कर सकते हैं। अगला अप्रोच क्या है, हम जो ड्रग पार्टिकल है उसके ऊपर पॉलीमर की एक लेयर लगा दे। पॉलीमर कैसा, बायोडिग्रेडेबल, यानी ये पॉलीमर पहले पॉलीमर डिसॉल्व होगा,
तब ड्रग बाहर आके डिजॉल्व होगा, यानी ये प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करेगा। जब प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करेगा तो ऑटोमेटिक सस्टेन्ड रिलीज होगा, कंट्रोल्ड रिलीज होगा और लंबे समय तक चलेगा। या हम कर सकते हैं कि पल्स डिलीवरी। व्हाट इज द पल्स डिलीवरी? पल्स डिलीवरी है जैसे मान लीजिए इतना सारा ड्रग है तो एक बार में इतना ड्रग निकला डिजॉल्व हुआ, फिर अगले शिफ्ट में दूसरा ड्रग निकला, तीसरे में फिर इतना निकला, चौथे में फिर इतना निकला, पांचवे में फिर इतना निकला, यानी कि एक बार में पूरा ड्रग बाहर नहीं निकल रहा है। पल्स यानी कि थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के ड्रग रिलीज हो रहा है, रुक रुक के डिजॉल्व हो रहा है। यानी ये अलग अलग अप्रोच का इस्तेमाल करके दोस्तों हम ड्रग रेट ऑफ डिजोल्यूशन को घटा सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, आप क्या लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन कैन बी डिक्रीजेस बाय द यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज बाय द सॉल्ट अप्रोच और बाय द कोटिंग ऑफ द ड्रग और बाय द और बाय यूजिंग द पॉलीमर्स और द बाय द और बाय यूजिंग द पल्स डिलीवरी सिस्टम। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये किस मेथड पे बेस्ड है। तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन का एक फार्मूला है वो फार्मूला है dc / dt d * a ब्रैकेट में cs - c / h। ठीक है, अब इस मेथड की हम बात करते हैं। देखिए आप इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा पेट के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर ये कोई सॉल्वेंट है, यानी ये हमारा पूरा क्या है, ये सॉल्वेंट है जिसमें ड्रग घुलेगा और ये हमारा ड्रग पार्टिकल है। तो अब जो ड्रग पार्टिकल है भाई, यहाँ पे ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और धीरे धीरे जब ये ड्रग पार्टिकल घुल रहा है तो कहां पे मिल रहा है, सॉल्वेंट में। तो जो ड्रग बाहर की ओर जो कंसेंट्रेशन है वो सी एस है, यानी जो ये ड्रग का कंसेंट्रेशन जो है वो सी एस है और यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो सी, यानी ड्रग का कंसेंट्रेशन सरफेस पे जो है सी है और जो सरफेस के बाहर जो सॉल्वेंट में है वो सी एस। इसको इस तरह समझिएगा। तो ये फॉर्मूला होता है dc / dt इक्वल टू d into a cs - c / h, जहां पे हम जान लेते हैं कि क्या है dc / dt है रेट ऑफ डिसोल्यूशन। यानी हमको बताना, इस फॉर्मूले से हमको मालूम चल जाएगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है dc / dt इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन, d इक्वल टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट यानी किस रेट से हो रहा है कोएफिशिएंट है, a इज द सरफेस एरिया जहां पे ड्रग का पूरा सरफेस एरिया कितना है, cs - c बताना कंसंट्रेशन एट सरफेस, कंसंट्रेशन एट सेंटर पे cs - c, और h इज द थिकनेस, वो जो ड्रग है उसकी थिकनेस कितनी है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो सरफेस एरिया पे इन ड्रग कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे और थिकनेस पे साफ साफ डिपेंड कर रही है। थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब थिकनेस जितनी ज्यादा होगी डिसोल्यूशन रेट उतना ही कम होगा और हमें रेट कम ही करना है, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा रखेंगे डिसोल्यूशन उतना ही हाई होगा। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसमें, कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज कैन बी कंट्रोल एंड स्टडीड बाय द फॉलोइंग फार्मूला dc = dt = da cs - c / h, वेयर द dc - dt इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, d इज इक्वल टू द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, a इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, cs - c इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एंड h इज इक्वल टू द थिकनेस। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम ये काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द लेयर थिकनेस ऑफ द लेयर is high then the rate of dissolution will be low। हमको इसको thickness को मोटा करना है ताकि dissolution rate को हम कम कर सके। आगे हम बात करते हैं कि जो dissolution control system जो drug है इस medicine को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है दोस्तों matrix type, ठीक है, और दूसरा तरीका है encapsulation type। matrix type और encapsulation type दो अलग अलग type का इस्तेमाल करके हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, इसको समझिए। matrix type में दोस्तों क्या होता है, ये हमारा एक reservoir है जिसके अंदर दवाइयां भरनी। अब इसके अंदर हमने अलग अलग चैम्बर बना दिया पॉलीमर का। देखिए ये हमने अलग अलग पॉलीमर की पूरी लेयर की एक चैम्बर बना दी और हर चैम्बर में हमने कुछ मेडिसिन रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यानी आप अलग अलग चैम्बर में मेडिसिन बना सकते। यानी ये पूरा ये मैट्रिक्स सिस्टम हो गया। अब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया पल्स डिलीवरी, अब ये हमारी बॉडी में जब भी जाएगा तो जब ये बाहर की लेयर डिजॉल्व होगी, यदि मान लिया हमने ये बाहर की लेयर हमारी डिजॉल्व हो गई, तो सबसे पहले एक पॉलीमर बाहर निकलेगा ये डिजॉल्व होगा, थोड़ी देर बाद दूसरा पॉलीमर निकलेगा ये डिजॉल्व होगा, फिर तीसरा निकलेगा ये डिजॉल्व होगा। ऐसे करते करते अलग अलग पॉलीमर रिजर्वायर के अंदर जो भरे हैं वो बाहर निकलेंगे, पॉलीमर डिजॉल्व होगा, ड्रग बाहर निकलेगी और डिजॉल्व
ड्रग डिसॉल्व होगा और अपना एक्शन लेगा। इस तरह से सारा ड्रग एक बार में बाहर नहीं निकल गया, ये ड्रग धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी व्यक्ति को रोज 10 रुपए दे खाने के लिए, तो जाएगा कुछ खा के चलाएगा फुल्की चाट, या उसको महीने का इकट्ठा 300 रुपए दे दे। जब महीने का 300 रुपए देंगे तो एक ही दिन में जाएगा बर्गर पिज्जा खाने चलाएगा, पैसा खत्म, और बाकी 29 दिन इसे बैठा रहेगा। लेकिन उसको रोज 10-10 रुपए दे रहे तो रोज कुछ ना कुछ वो खा के चला रहा है। तो ये वही सिस्टम है, उसको रोज 10 रुपए यानी रोज थोड़ा थोड़ा पार्टिकल दो, तो इससे ड्रग का डिसोल्यूशन और एक्शन बढ़ेगा, ड्रग कंट्रोल्ड रिलीज होगा, डिसोल्यूशन कंट्रोल होगा और ड्रग सीआरटीडीएस बन सकेगा। दिस इज द मैट्रिक्स सिस्टम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पहली हेडिंग मैट्रिक्स सिस्टम। तो मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ ड्रग देयर आर अ ड्रग रिजर्वायर ऑफ पॉलीमर एंड इन द चैंबर्स ऑफ पॉलीमर कोटिंग देयर आर द डिफरेंट ड्रग पार्टिकल्स आर लोडेड, ठीक है। एंड व्हेन दिस मैट्रिक्स गोज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन बॉडी द पॉलीमर डिसॉल्व एंड द सिंगल पॉलीमर चैंबर मैट्रिक्स इज डिसॉल्व एंड द ड्रग कम्स आउट एंड डिसॉल्व, इट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरा इसमें है, हम इसको हमने देख लिया, दिस इज द मैट्रिक्स। हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा है इनकैप्सुलेशन टाइम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि मैट्रिक्स सिस्टम था, उसी तरह से दूसरा होता है मेरे दोस्तों, दिस इज द इनकैप्सुलेशन टाइम। अब व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन टाइम, इसमें हम ड्रग पार्टिकल को ऊपर एक कैप्सूल की कोटिंग कर देते हैं, यानी ड्रग पार्टिकल है उसके ऊपर हमने पॉलीमर कोटिंग कर दिया, इसको इनकैप्सुलेटेड कर दिया। जब पॉलीमर कोटिंग कर दिया, अब ये पॉलीमर पहले डिसॉल्व होगा, फिर ड्रग बाहर आएगा, फिर वो डिसॉल्व होगा, यानी ऑटोमेटिक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इन दिस मेथड द ड्रग पार्टिकल्स इज इनकैप्सुलेटेड और कोटेड विथ अ पॉलीमर, द पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल विच गोज इनसाइड एंड डिसॉल्व एंड द ड्रग कम्स आउट एंड डिसॉल्व एंड इट एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी एंड शोस देयर एक्शन। यहां से थोड़ा सा लंबे समय तक अपना एक्शन करेगा। ये एक सिंपल सा मेथड था दोस्तों, डिसॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, हम बात करेंगे डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में बहुत आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।